हेलो दोस्तों, हर कोई यहाँ पे नॉर्मल साइकिल इस तरह से चलाता होगा, लेकिन इसमें टायर ट्यूब लगा के यहाँ पे चलाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करके आपको ही दिखाने वाला हूँ। जैसे कि इस साइकिल में आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर ट्यूब नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टायर है, इसको मैं यहाँ पे निकाल के यहाँ पे फेंक दिया हूँ। इसी के मैं यहाँ पे क्या इसमें लगाने वाला हूँ। मेरे पीछे आप यहाँ पे ब्रांड देखना है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्प्राइट पड़ा हुआ है, जो कि इनमें से ये है 20 रुपए का, बोल देने की छोटा पैकेट यहाँ पे ये स्प्राइट का है। इसी स्प्राइट को मैं यहाँ पे इस साइकिल के रिम के ऊपर में इस तरह से अटैच कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे देखने वाले कि इस साइकिल को अगर चलाते हैं तो यहाँ पे कैसा चलाने में लगता है, किस तरह से यहाँ पे चलाने का यहाँ पे लुक बनता है, और इतना अच्छा लगता है अगर यहाँ पे टायर का जो यहाँ पे स्प्राइट का ही यहाँ पे यूज करने लग जाएंगे। यहाँ पे स्प्राइट यहाँ पे भी फट सकता है, स्प्राइट का भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्प्राइट यहाँ पे बह सकता है, यहाँ पे लीकेज भी कर सकता है, यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान भी होने वाला है। ये चीज आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे स्प्राइट को यहाँ पे पहले ट्यूब की मदद से इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिम को यहाँ पे सजा देते हैं स्प्राइट से, उसके बाद यहाँ पे इसको रोड पे चलाने वाले, उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता है रोड पे। एक टायर में मैंने यहाँ पे स्प्राइट को लगा दिया, अब यहाँ पे दो पीस ही बाकी है, इसको भी लगा के कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पीछे टायर में लगाने वाले हैं। यहाँ पे छोटा वाला भी रखे हैं, जो कि यहाँ पे भी देख सकते हैं साइज हमें परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने छोटा वाला स्प्राइट को लगा दिया है। ये नॉर्मल साइकिल था, मैंने यहाँ पे स्प्राइट लगा के यहाँ पे ये साइकिल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं यहाँ पे चल पाता है या नहीं चल पाता है, क्या यहाँ पे स्प्राइट यहाँ पे लीक कर जाता है। 1 2 3 ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी परफेक्ट तरीके से ये साइकिल चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पावर ज्यादा लग रहा है। फर्स्ट बार में चलाया यहाँ पे नॉर्मल तरीके चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड बार ही है। अब दूर तक इसको लेके जाते हैं और देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। इतना चलाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक स्प्राइट यहाँ पे पूरी तरह से बोतल फट चुका है, और इसमें स्प्राइट निकल के यहाँ पे रोड पे यहाँ पे बिखर चुका है। देख सकते हैं बहुत ही स्प्राइट है, स्प्राइट निकल रहा है बोतल से। इसका यहाँ पे स्टीयरिंग यहाँ पे टूट चुका है और ये अलग हो चुका है साइकिल से, और इसका यहाँ पे देखते हैं एक स्प्राइट यहाँ पे लीकेज हो गया है, और इसे देख सकते हैं बाहर स्प्राइट निकल रहा है। लेकिन बहुत ही मजा आया, इस तरह का स्प्राइट का यहाँ पे साइकिल भी चल रहा है, पूरी अच्छी तरीके रोड पे चल रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दो भी इंसान को मैंने यहाँ पे साइकिल पे बैठाया और यहाँ पे ये रोड में इस तरह से अच्छी तरीके से दौड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टीयरिंग ही टूट गया है, इसलिए वजह से यहाँ पे साइकिल यहाँ पे नहीं चल पाया है। रेडी रिम में मैंने यहाँ पे स्प्राइट लगा दिया, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही चलाया, इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, स्प्राइट निकल गया। मैंने साइकिल में स्प्राइट लगा के आपको चला के दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो करना लाइक और नीचे रेड करके अपना सब्सक्राइब करना और भी प्रेस। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए।